बड़ में से निकले हुए हैं महादेव जी जी। एक समय था 70-80 साल पहले, अच्छा, एक ग्वाला यहाँ गाय चराता था। अच्छा। वो यही विश्राम करता था दिन में। अच्छा अच्छा। उसको सपने में महादेव के नाग देवता का दर्शन हुए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं हूँ धर्मेंद्र। आज मैं आपको अरावली की सुरम्य घाटियों में कालिया हुलर बल्लेश्वर महादेव के दर्शन करवाने आया हूँ और वहाँ विराजते एक संत जो है प्रवीण गिरिज महाराज, उनके दर्शन करवाऊँगा, उनसे मिलवाऊँगा। उससे पहले दोस्तों आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा मेरे पीछे, ये अरावली की सुरम्य घाटी है। अभी थोड़ा मौसम उस हिसाब से है, थोड़ा गर्म हिसाब से ये जो है ये पहाड़ी थोड़ी हरी भरी नहीं दिख रही है। बाकी दोस्तों ये पहाड़ी बरसात का अगर मौसम हो तो बिल्कुल इतनी गजब की हरी भरी दिखती है कि कश्मीर की वादियाँ भी इनके सामने कमज़ोर हो जाए। और दोस्तों ये जो आश्रम है ये बना हुआ है और यहीं जो है ये बल्लेश्वर महादेव मंदिर जो आया हुआ है। कभी यहाँ उस बल्लेश्वर महादेव की जगह बड़ हुआ करता था, उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ जो विराजते हुए संत उनसे ही दिलवाऊंगा दोस्तों। तो अब चलते हैं संतों के पास, और संतों के पास जाने से पहले दोस्तों मैं आपको जो है यहाँ बल्लेश्वर महादेव के दर्शन करवा देता हूँ और फिर उसकी जानकारी आपको, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बल्लेश्वर महादेव का स्थान जो है यहाँ पहले एक बड़ा ही भयंकर ज़बरदस्त दोस्तों, जैसा कि इस और आपको बड़ दिख रहे हैं, इससे भी बड़ा एक बड़ का पेड़ हुआ करता था। और उस बड़ के पेड़ को दोस्तों जब काटा गया तो यहाँ से ये शिव प्रतिमा निकली। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अभी, ये हनुमान जी का स्थान है और ये हनुमान जी का स्थान, और ये जो दोस्तों है ये भैरव जी का स्थान है। तो मेरे साथ दोस्तों ये जो यहाँ के लोकल है और यहाँ के श्रद्धालु और भक्त भी है तो ये बताएंगे। चलो आइए आप। तो ये जो मैन बल्लेश्वर का जो मैंने अभी आपको बोला था कि वो पुराना स्थान यहाँ कहीं बताया जाता है, तो कौन सी जगह? पुराना ये अच्छा, ये पुराना स्थान है। और यहाँ बड़ का पेड़ कहाँ खड़ा था? इस जगह दोस्तों बड़ का पेड़ था। तो उस पेड़ को कब काटा गया? मतलब वो गया, सूख गया, सूख गया, पड़ गया। अच्छा, वो बड़ का पेड़ दोस्तों सूखने की वजह से फिर वो गिरा, और गिरने के बाद में जब उसको काटा गया तो उसमें से महादेव जी निकला, महादेव जी की मूर्ति, शिवलिंग निकला। हाँ, शिवलिंग में है नहीं वो, तो शिवलिंग निकला दोस्तों। तो वो शिवलिंग जो है यहाँ जो है मैं आपको बताता हूँ, वो नमः शिवाय। तो दोस्तों ये जो है ये पुराना शिवलिंग दोस्तों, शिवलिंग भी बड़ा गजब का शिवलिंग है दोस्तों, ओम नमः शिवाय। ये जो केशव थोड़ा नजदीक से दिखा, इसकी आकृति दोस्तों इस शिवलिंग की जो है बड़ी ही ये विचित्र आकृति है। ये शिवलिंग कुदरत बनी, ये कुदरत से बना हुआ शिवलिंग वह बड़ के अंदर से निकला और उसके बाद में दोस्तों ये जो है बाद में स्थापना इसकी की गई। दोस्तों अब चलते हैं, यहाँ विराजते हैं संत। ये बना हुआ है दुना, और वो सामने भी एक दुना है जहाँ इंगलाज माता का स्थान है। और दोस्तों एक बात मैं आपको कहना भूल गया कि यहाँ के बावड़ी, जो बावड़ी के बारे में भी बताया गया था, तो वो संत जो यहाँ विराजते हैं उनसे ही पूछेंगे, उस बावड़ी के बारे में भी कोई ज़बरदस्त स्टोरी बताते हैं। और सबसे पहले मैं माँ इंगलाज के दर्शन करवाता हूँ, फिर यहाँ संत विराजते हैं उनसे मैं आपको सीधी बात करवाऊँगा, जानेंगे कुछ यहाँ के बारे में। तो ये है माँ इंगलाज का दूना, ये आप देख लीजिएगा कैसे बंदित यहाँ से बताते हैं। ये जो है माँ इंगलाज का दूना है दोस्तों। तो चलते हैं बाबा जी के पास, और ये बाबा जी है प्रवीण गिरी जी दोस्तों। तो
हरिओम। दोस्तों, तो बाबा जी प्रवीण गिरी जी के और बाबा जी से ही जानेंगे इस जगह के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा हमारे जो भी देखने वाले व्यूअर हैं। ये बिल्डेश्वर महादेव है, बाढ़ में से निकले हुए हैं। जी जी। एक समय था 70-80 साल पहले, अच्छा, एक ग्वाला यहाँ गाय चराता था। अच्छा। वो यहीं विश्राम करता था दिन में। अच्छा अच्छा। उसको सपने में महादेव के नाग देवता का दर्शन हुए। नाग देवता का? हाँ। अच्छा। नाग देवता आता था यहाँ। अच्छा। उसने कहा कि इसकी सेवा करा कर। उसने फिर इसकी थाल खंड कहने को बतला, दूध चढ़ाया था। क्या चढ़ाया था? दूध। कुछ समय बाद, समय कुछ साल विवित हो गए। अच्छा। उसके बाद ये बड़ कुदरत के हिसाब से अपने आप सूख गया था। अच्छा। ये बड़ जो अभी देख के आया दोस्तों, आपको दिखाया मैंने वो बड़ जिसमें से शिवलिंग निकला था। हाँ। और वो शिवलिंग अंदर स्थापित किया गया था। अंदर में से ये शिवलिंग निकली थी, पिंडी निकली थी। अच्छा। बड़ के बिल्कुल अंदर से, अंदर से बड़ सूख गया था, क्यों महादेव के यहाँ मंदिर बनना था। क्या बनना था? अच्छा। तो उससे पहले ये मंदिर नहीं था यहाँ? नहीं, मंदिर न, ये कोई ये बड़ा हुआ था। तो दोस्तों, जब ये शिवलिंग नहीं निकला था, उससे पहले यहाँ न तो ये स्थान था, जंगल था, पूरा सब जंगल था, गोर जंगल था। और यह अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ भी अंग्रेजी बोले सब ये जंगल था। और उसके बाद में जब शिव जी उस बड़ में से निकले, तो यहाँ मंदिर की स्थापना हुई, ये आश्रम बना? नहीं नहीं, उस समय आश्रम नहीं बना था। अच्छा। जब शिवलिंग निकला था, फिर गांव वालों ने ये यहाँ पे ईंटों का चबूतरा उठा के महादेव बना दिया। अच्छा। मंदिर तो बाद में बना, मंदिर तो बना ये 2007 में। 2007 में? 2007 में हम इस आश्रम में जब विराजे यहाँ पे, उस समय ये मंदिर का निर्माण कार्य। तो आप यहाँ कब से आए? 2007 में जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करा। अच्छा, आपके आने के बाद में? हाँ, शुरू हुआ। दोस्तों, उसके बाद ही ये कुटिया है, सब कुछ यहाँ हुआ। तो जो महात्मा जी है, बाबा जी यहाँ आए 2007 में, उसके बाद में फिर मंदिर निर्माण का कार्य हुआ और वो धीरे धीरे फिर ये आश्रम का रूप ले लिया। और बाबा जी, एक यहाँ जो बावड़ी के बारे में भी सुना है, ऐसा कुछ कहते हैं? बावड़ी की महादेव की माया जी यहाँ पे, बावड़ी बहुत पुरानी है, कई साल पुरानी है। यहाँ पे अकाल में भी पानी नहीं सूखता, तो बंदी हुई है। अभी दोस्तों आपको दिखाई नहीं, हो सकता अगर मैं आपको दिखाना सका तो मैं दिखाऊंगा आपको। अमृत है पानी उसका, पानी मीठा है। अच्छा है। अच्छा। पानी नहीं आज तक सूखा, गांव में यहाँ से पानी पीने का गांव में जाता है आज। तो दोस्तों, ये तो बाबा जी से इस स्थान के बारे में बात की। बाबा जी, अब बताइए, दुनिया में दुखी लोग बहुत ज्यादा है। दुखी लोग बहुत ज्यादा दुखी है। तो अपने कर्म से दुखी हैं। क्या है कर्म? कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने हमारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा गलत काम ही नहीं किया, न किसी का बुरा किया, उसके बावजूद भी दुखी है। पिछले जन्मों का कहने को तो पिछले जन्मों का विकास, तो वो इस जन्म में भी होता है। तो उसको फिर अगर उसकी कोई भरपाई करनी चाहिए या उसका जैसे कोई भुगतान है, मान लो बुरे कर्म कर लिए और फिर उसका निवारण करना पड़ेगा, निवारण कैसे करें? तो वो थोड़ा साथियों वो भी सुन लो दोस्तों, बाबा जी से ही मैं आज जानकारी आपको दिलवा देता हूँ। कई लोग कमेंट भी करते हैं कि मैं इस तरीके से परेशान हूँ, बीमार हूँ, मेरे घर में ये समस्या है, मैं ही हूँ। तो मैं हर स्थान पर जाता हूँ तो संतों से इस चीज़ के बारे में जरूर पूछता हूँ कि भाई इस ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों के बारे में जो है, जो कह रहे हैं कि हमने ऐसे बुरे काम नहीं किए, लेकिन हो सकता है उसके उनके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ऐसे अभी अच्छे कर्म करो जी भगवान अपने तो उसका निवारण जैसे कर दिया, तो अब क्या करे वो? उसके लिए करना क्या चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। अब क्या, अब वो कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, साधु संतों के पास भी जा रहे हैं, धर्म दान भी कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे होता नहीं, बार में क्या होता है, एकदम धीरे धीरे होता, समय तो लग जाता है। अच्छा बाबा जी, एक बात और मैं पूछूंगा, ये तो चलो टॉपिक से हटके बात है, आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया? आपको संन्यास लिए, संन्यास लिए को, संन्यास लिए को हो गया हमको 28 साल हो गए। 28 साल। तो आपकी एज कितनी है? एज तो मेरी तो 53 है। 53।
अच्छा 28 साल ये हो गए, 53 है। हम तो जूना अखाड़ा हरिद्वार से। जूना अखाड़ा हरिद्वार, हरिद्वार। अच्छा, तो संन्यास लेने का कोई कारण वजह रही होगी? शुरू से धर्म में थी ध्यान था। अच्छा, आपकी जन्मभूमि कहाँ होगी? उत्तराखंड। उत्तराखंड में है तो बाबा जी उत्तराखंड से यहाँ राजस्थान में अरावली की प्रद श्रृंखलाओं में अब तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा जी एक जानकारी मैं आपसे और अपने दर्शकों को दिलवाना चाहूँगा कि आपने ये कितने 25 साल बताया ना? 28 साल हो गए आपने संन्यास लिए, 28 साल हो गए। 28 साल की आपने जो तपस्या की, जो माला की, उसमें ऐसा अनुभव कभी हुआ कि आपको कुछ घटनाएं ऐसे मतलब विचित्र टाइप की जो अलौकिक शक्तियों के दर्शन वो होते हैं? तो कुछ शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? बाकी जो बात होते हैं वो सब वीडियो पे वो उस पर ना शेयर नहीं करी जाए, तो कुदरती को ज्ञान है। अगर कोई भक्त है, मान लो मैं ही हूँ और अगर मैं माला करता हूँ, गुरुमुखी भी हूँ, गुरु भी बनाए हुए हैं, और मुझे आज 5 साल हो गए, 10 साल हो गए माला करते करते, और कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, तो मेरी माला में कहीं चूक है या कोई? माला में चूक कह सकते हैं, माला में चूक कह सकते हैं। तो माला करनी कैसे चाहिए गुरु जी? माला करनी कैसे चाहिए? आप इसमें आसन की जरूरत होती है? कई लोग क्या बिना आसन के भी करते हैं, कई लोग चलते फिरते करते। अब जैसे ग्रस्त आदमी है, मान लो आपने गुरु महाराज तो कर रखे हैं। गुरु महाराज कर रखे हैं, गुरुमुखी अब क्या है? उनसे ज्ञान लेना, वो आपको बताएंगे सारी बात। नहीं, वो बातें तो बताइए। मैं जो दर्शकों को जो आपने जो देख रहे हैं, तो ये जो वीडियो बन रहा है, कुछ चीजें तो हालांकि मैं वैसे नहीं पूछना चाह रहा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आप अगर बताओगे तो, जो हिंदू धर्म सनातन धर्म है जिसमें कई ऐसे लोग भी है जो वीडियो देखते हैं और वो धर्म में ऐसी चीजों का पालन भी करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो क्या होता है कि चूक जाते हैं। तो हो सकता है ये ऐसे वीडियो अपने जाए जिससे उनके अंदर सद्बुद्धि आए और वो अपने धर्म की ओर वापस मुड़े, कोई गुरु करें, वहां से कुछ माला या नाम दान जो ले और कुछ भक्ति के लिए ऐसे चीजें जो है, मैं ये इसके लिए ये बात आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरी बात इसके लिए तो ऐसे ही बात, अपने अच्छे कर्म करो, क्या है, अच्छा लोगों के साथ व्यवहार करने को, तला धर्म कर्म करो, सनातन धर्म पे चलो, है गाय माता की सेवा को। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान अपने आप। एक बाबा जी, एक ये नशे की जो अभी आने वाली अभी ये जो पीढ़ी चल रही है, तो इसमें नशा बहुत ज्यादा हो गया। आप भी उत्तराखंड में, आपकी जन्मभूमि है, और आप राजस्थान में भी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन नशे की प्रवृत्ति अपने यहाँ के लोगों में ज्यादा हो गई, बढ़ती जा रही है। तो इससे बाबा जी आगे भविष्य में क्या हो सकता है अपने युवाओं का? युवाओं का तो जिस हिसाब से नशा चलता है, युवाओं का तो भविष्य खराब ही, नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो ये बाबा जी अभी आपको अगर किसी तरीके का आप नशा कर रहे हैं तो उसके लिए स्पष्ट बाबा जी का मना है, नियम है हमारा। सूर्यास्त हुआ उस घड़ी के हिसाब से चलेंगे, सेवा भी हम सुबह शाम, 1 मिनट का फर्क नहीं होता हमारी सेवा में। सुबह 8 बजे होगी 8 बजे की, शाम को 7 बजे होगी 7 बजे सेवा होगी, उसमें पूरी लगा, उसमें 1 मिनट का भी फर्क नहीं होता हमारी सेवा, नियम से। तो दोस्तों ये थे बाबा जी प्रवीण गिरी जी महाराज। तो अब मैं आपसे ले रहा हूँ विदा, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।